हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूसी द अनफॉरगॉटन केमिस्ट्री। आज हम लोग जो एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसमें बायो मॉलिक्यूल्स का, इट इज़ गोना ब्लो योर माइंड। क्या फैंटास्टिक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एंड वो भी प्रोटीन्स का। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो, एंड मैं दावा करता हूँ यार, ये क्वेश्चन करने के बाद और जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा, आपको एक अमेजिंग फीलिंग आ जाए कि बॉस जबरदस्त क्वेश्चन था। आप एक बार ट्राई करिए, पहले मैंने यहां पे ऑप्शन भी लिखे हैं, हो गया। चलो, क्या बोल रहा है, अ डेका पेप्टाइड, अ डेका, डेका मतलब 10, डेका पेप्टाइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 796, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लाइसिन, ग्लाइसिन देता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 75 है, एलानिन एंड फिनाइल एलानिन भी देता है। अच्छा, अमाइनो एसिड की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की, आप जाके देखिएगा अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर्स करके। ग्लाइसिन कॉन्ट्रीब्यूट्स 47% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, मतलब हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो जितने भी प्रोडक्ट्स बने उसका 47% ग्लाइसिन है। द नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स प्रेजेंट इन द डेका पेप्टाइड आर, सबसे पहले ये डेका पेप्टाइड क्या है इसको समझते हैं, उसके पहले पेप्टाइड बॉन्ड समझ लेते हैं, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो रिविजन हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अमाइनो एसिड, एक ये जनरल स्ट्रक्चर होता है ना अमाइनो एसिड का, यहाँ पे OH NH2 सी डबल बॉन्ड, सॉरी सी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, CH ऊपर R सी डबल बॉन्ड OH, दो अमाइनो एसिड ड्रॉ कर लिए। इसमें से क्या करना है अपने को, H2O निकाल देना है, तो H2O निकाल दोगे, एक NH बचेगा। सो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अगर ध्यान से देखो तो अमाइड बॉन्ड है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। कितने पेप्टाइड बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक। अच्छा, कितने अमाइनो एसिड जुड़े हैं इसमें, दो अमाइनो एसिड जुड़े हैं ना, दो अमाइनो एसिड है, दो अमाइनो एसिड। इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं डाइपेप्टाइड, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। क्यों बोलते हैं डाइपेप्टाइड, क्योंकि दो अमाइनो एसिड है, बट पेप्टाइड बॉन्ड एक ही है इसके अंदर, ये याद रखिएगा, है ना। तो डाइपेप्टाइड हो गया। अच्छा, डाइपेप्टाइड में एक ही बॉन्ड है, इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए कितने वाटर की जरूरत है, एक ही वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत है ना, एक हाइड्रोजन यहां पर जाएगा, एक OH यहां पर जाएगा, तो इसमें 1H2O की जरूरत है। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैं ट्राइपेप्टाइड ले लेता हूं तो कितने बॉन्ड आएंगे, दो, तो वाटर मॉलिक्यूल भी कितना लगेगा हाइड्रोलाइज करने के लिए, दो। तो ट्राई बोला तो दो, है ना। वैसे ही अगर मैं बोलूं डेका पेप्टाइड, डेका मतलब 10, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल लगेगी मुझे, 9H2O, है ना। तो ये जो डेका पेप्टाइड था, इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए कितने H2O की जरूरत पड़ी, 9H2O, मतलब 9H2O मॉलिक्यूल्स में जाके एड हो रहा है, तो मोलार मास तो इंक्रीज होगा ना, तो फाइनल मोलार मास कितना होगा, ये 796 तो था ही, प्लस 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O, ये कितना हो जाएगा, 796 प्लस ये कितना होता है, 180 में 18 कम, 162 ना, ये हो जाएगा 8, ये 15, ये हो गया 7, 8, 9, 958। सो दिस इज द फाइनल मास जो हाइड्रोलाइज्ड, ये है ना, कहां पे लिखा था हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स, उनका मास इतना है। हमें ग्लाइसिन में इंटरेस्ट है, अभी ये जो पूरा हाइड्रोलाइज्ड मास है उसमें ग्लाइसिन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 47%, तो इसका 47%, इसका 47% कितना होगा, 1000 कंसिडर करें क्या, नहीं 1000 नहीं, ये खुद भी 1000 नहीं है और ये 50% भी नहीं, 1000 से थोड़ा सा लेस हो, सॉरी 500 से थोड़ा लेस लेना पड़ेगा 47%। तो लेट्स से ग्लाइसिन का जो वेट है, जो कंट्रीब्यूट हो रहा है, 500 से थोड़ा लेस ले लेते, लेट्स से 450, और आप कैलकुलेट करोगे तो 450 के अराउंड ही आएगा। ये किसका मास है, ग्लाइसिन का टोटल मास, टोटल इतने ग्लाइसिन है। अच्छा, एक ग्लाइसिन का मोलार मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना, 75, किससे डिवाइड करें, 25 से डिवाइड करें, कर लेता है, आप डिवाइड करोगे इसको 75, तो आपको कितना आएगा, 6 विल बी द आंसर ना, 75 इंटू 6 बराबर कि नहीं, 75, हाँ, तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज सी। क्या अमेजिंग क्वेश्चन था, तो आपको पता होना, पहले सबसे पहले तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का नॉलेज होना चाहिए, है ना, और उसके बाद में ये कैलकुलेशन आना चाहिए। ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में,
मैंने इसके पहले या इसके बाद में कितने OH ग्रुप है, कैसे निकाले कैलकुलेशन से, वो भी एक वीडियो आपको मिलेगी, है ना, वो भी आप अच्छे से देखेगा। सो गाइज, दिस वॉज वन न्यूमेरिकल, अमेजिंग न्यूमेरिकल प्रोटीन्स के ऊपर, अमाइनो एसिड्स के ऊपर, पेप्टाइड बॉन्ड्स के ऊपर। अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इसको बार बार आप रिवाइज भी करेगा। सो मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।